दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले पर बीजेपी हमलावर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने 3 चौराहों पर लगवाए पोस्टर। दिल्ली के आईटीओ, मंडी हाउस और पंथ मार्ग चौराहे पर लगे पोस्टर, लिखा ताजमहल देखने, अब आगरा जाने की जरूरत नहीं। पोस्टर पर लिखी केजरीवाल के बंगले में इस्तेमाल पड़ते कारपेट और वार्डरोब की कीमत, बंगले को बताया केजरीवाल का शीश महल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन में अब एलईडी टीवी की खरीद का मामला जुड़ा, बाजार से कई गुना ज्यादा कीमत देकर 10 टीवी खरीदने का आरोप। बीजेपी नेता हरीश खुराना का आरोप, केजरीवाल के घर के लिए 85 इंच के 10 टीवी खरीदे गए और हर टीवी पर करीब 6 लाख का कमीशन लिया गया। हरीश खुराना के मुताबिक एक टीवी करीब 10 लाख में खरीदा गया, जबकि बाजार में कीमत 3,98,000 रुपए है। सीएम आवास के कमोड की कीमत भी चौंकाने वाली, 2 बाथरूम में लगे करीब 8,55,000 रुपए के कमोड। केजरीवाल के सरकारी आवास के खर्च पर एक और खुलासा, देसी मकराना मार्बल लगाने की सलाह, दरकिनार कर वियतनाम से मंगाए गए थे ड्योर पर्ल के मार्बल। सीएम के बंगले पर घमासान जारी, सुधांशु त्रिवेदी बोले केजरीवाल का सच सामने आया। बीजेपी के आरोपों पर आपका पलटवार, राघव चड्ढा बोले 1300 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है राजा का महल। सीएम केजरीवाल के आवास के साथ दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ का बंगला भी विवादों में आया, एएसआई के संरक्षित स्मारक को तोड़कर बंगला बनाने का आरोप लगा। विजिलेंस डिपार्टमेंट ने आईएएस उदित प्रकाश राय को भेजा नोटिस, पूछा उन्होंने 15वीं शताब्दी के पठान महल नाम से स्मारक क्यों गिराई। दिल्ली के शंकर रोड पर बने हनुमान मंदिर पर चला डीडीए का बुलडोजर, डीडीए के मुताबिक अवैध तरीके से डीडीए की जमीन पर बना है मंदिर। डीडीए ने कुछ दिन पहले मंदिर के एक हिस्से को गिरा दिया था, बाकी बचे हिस्सों पर आज चलाया जा रहा है बुलडोजर। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में कौशाम्बी पुलिस पहुंची सराया कील, फकीराबाद मदरसा स्कूल में शाइस्ता और साबिर के छिपे होने की मिली खबर। पुलिस ने पूरे इलाके में लाउड स्पीकर पर किया ऐलान, लोगों से पुलिस की कार्रवाई में दखल नहीं देने की अपील की। शाइस्ता परवीन के 6 एसोसिएट्स ईडी के निशाने पर, 50 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल ईडी को मिली। शाइस्ता के परिवार वाले इन बैंक खातों से कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग, 10 खाते किए गए फ्रीज, बाकी को फ्रीज करने की तैयारी। ईडी ने 20 से ज्यादा शेल कंपनीज की पहचान की, इन कंपनियों की मदद से शाइस्ता के करीबी ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे। ईडी की जांच में पता चला ये कंपनियां मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में रजिस्टर कराए गए, शाइस्ता के करीबियों ने करवाया इसको रजिस्टर। ईडी को 3 कंस्ट्रक्शन कंपनी की मिली जानकारी, अतीक की हथियाई जमीनों पर बिल्डिंग बनाने का काम कर रही थी। ईडी ने अतीक के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछताछ के लिए किया तलब, ईडी प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ से अतीक गैंग के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगेगी। शाइस्ता परवीन के नौकरानी से प्रयागराज पुलिस ने की पूछताछ, शाइस्ता के साथ हर जगह जाती थी नौकरानी। अतीक के बेटे अली अहमद के नाम से पैम्पलेट हुआ वायरल, प्रयागराज के निकाय चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पैम्पलेट। पैम्पलेट में सपा और बीजेपी के खिलाफ निकाय चुनाव में मतदान की अपील, अतीक और अशरफ की हत्या के लिए बीजेपी और सपा को ठहराया जिम्मेदार। माफिया अतीक अहमद और अशरफ मर्डर मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर की जांच की मांग की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज कर्नाटक में धुआंधार चुनावी प्रचार, थोड़ी देर में नवलगुंद में जनसभा को करेंगे संबोधित। अमित शाह दोपहर 1 बजे लक्ष्मेश्वर में करेंगे जनसभा, हंगल के अक्की अलूर में 3 बजे करेंगे रैली को संबोधित। अमित शाह शाम 5 बजे हरिहरा में करेंगे जनसभा, शाम 6:30 बजे एक रोड शो को करेंगे। अमित शाह के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी संभालेंगे प्रचार की कमान, चिकमंगलूर में दोपहर 12:20 पर एक जनसभा को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा शिमोगा में पार्टी ऑफिस में दोपहर 2 बजे करेंगे पब्लिक मीटिंग, म्यूनिसिपल ग्राउंड में दोपहर 3 बजे करेंगे जनसभा को संबोधित। पीएम मोदी पर जहरीला बोल बोलकर फंसे मल्लिकार्जुन खड़गे, स्मृति ईरानी ने कहा ये विष गांधी खानदान का है जो उगला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी खड़गे को घेरा, अपने आकाओं को संतुष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी। निर्मला सीतारमण बोली राहुल प्यार की दुकान खोलने की बात करते हैं, उनके अध्यक्ष जहर उगल रहे हैं। कर्नाटक सीएम बसवराज बोम्मई का बयान, पीएम से राजनीतिक रूप से लड़ने में असमर्थ कांग्रेस इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। बवाल बढ़ने पर मल्लिकार्जुन खड़गे की सफाई, कहा मेरा बयान पीएम मोदी के लिए नहीं था, मेरा मतलब बीजेपी की विचारधारा से था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर दिया था विवादित बयान, जहरीला सांप बताया था। राहुल गांधी आज कलबुर्गी और कोपल में संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार की कमान, थोड़ी देर में वार्गी में, कलबुर्गी के जेवार्गी में करेंगे जनसभा। राहुल गांधी दोपहर 3:15 बजे कोपल के कुश्तागी में रहेंगे, महिलाओं के ग्रुप से करेंगे संवाद। कर्नाटक की जनता से गुरुवार को राहुल गांधी का वादा, सरकार बनी तो मछुआरों को 1 लाख रुपए का ब्याज कर्ज मुक्त और डीजल पर 25 रुपए प्रतिदिन सब्सिडी देने की बात कही। कर्नाटक में हो रहे भ्रष्टाचार को प्रधानमंत्री देखते तक नहीं, राहुल गांधी का कर्नाटक सरकार पर अटैक। कर्नाटक कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की अमित शाह की शिकायत, कांग्रेस पर दिए गए बयानों का हवाला दिया। कर्नाटक चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी कल भरेंगे हुंकार, 4.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी ने देश को 100 वाट के 91 FM रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर का दिया तोहफा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन।
देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों को मिलेगी एफएम रेडियो ट्रांसमिशन की सुविधा। दूर दराज के इलाकों में बढ़ेगी रेडियो कनेक्टिविटी। पीएमओ के मुताबिक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के खलत्सी नेओमा में डिस्ट्रिक्ट उपखंड में लगेंगे 3 एफएम सेंटर। सीमावर्ती इलाके में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ाना मकसद है। दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की आज बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक की अध्यक्षता। चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री बैठक में कर रहे हैं शिरकत। बेलारूस और ईरान बतौर ऑब्जर्वर शामिल। एससीओ की बैठक में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ सभी देशों के आपसी सहयोग और जरूरी कदम पर भी बात। शंघाई सहयोग संगठन की आज सुबह 9 बजे से बैठक शुरू हुई। दोपहर 2:30 बजे से रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठकें भी होनी है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले गुरुवार को दिल्ली पहुंचे चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात। राजनाथ सिंह और ली शांगफू के बीच भारत चीन बॉर्डर पर शांति को लेकर हुई बातचीत। गलवान घाटी की घटना के बाद पहली बार दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की ये मुलाकात थी। राजनाथ सिंह ने ली शांगफू से दो टूक बात। रिश्तों में बेहतरी के लिए पहले चीन सीमा पर से सैनिकों की मोर्चाबंदी पर करे काम। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले भारत और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों की बैठक। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। साइबर युद्ध में चीन पाकिस्तान को, भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। सेना बना रही है स्पेशल यूनिट। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला। राउज वैली कोर्ट ने पिछली सुनवाई में सुरक्षित रखा था फैसला। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ी। एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में 10 साल बाद आज आएगा फैसला। सीबीआई कोर्ट दोपहर 12 बजे सुनाएगी फैसला। एक्ट्रेस रजमन चोली है खुदकुशी के लिए उकसाने के मुख्य आरोपी। जिया खान के 6 पन्नों के सुसाइड नोट के आधार पर बनाए गए आरोपी। जिया खान सुसाइड केस में 20 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें हुई थी पूरी। केस में 14 गवाह पेश किए गए। करीब 10 साल पहले जिया खान ने की थी सुसाइड। 3 जून 2013 को जुहू के अपने फ्लैट में पंखे से झूलती हुई मिली थी डेड बॉडी। पुलिस को 6 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट में फिल्म स्टार आदित्य पंचोली और जरीन बहाव के बेटे सूरत पंचोली पर कई गंभीर आरोप। जिया खान ने लगाई थी ये आरोप। दिल्ली में धरने पर बैठे पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कुश्ती संघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप। रेसलर्स का विरोध प्रदर्शन खेल के लिए ठीक नहीं, आईओए की अध्यक्ष पीटी उषा का बयान। पहलवानों के धरने को अनुशासनहीनता बताने पर भड़के बजरंग पूनिया, कहा पीटी उषा से ऐसे बयान की नहीं थी उम्मीद। पहलवान विनेश फोगाट का पीटी उषा पर पलटवार। खेल मंत्रालय हो या आईओए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। रेसलर्स के प्रदर्शन के बीच खेल मंत्री का बयान। मोदी सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी, खेल हमारी प्राथमिकता। जेल में चलती थी आनंद मोहन की मर्जी। 2021 में मिला था सबूत। जेल में 4 मोबाइल फोन के जरिए एक्टिव पाए गए थे आनंद मोहन। उपचुनाव को लेकर सरकार को मिली थी खबर। आनंद मोहन जेल से वोटर्स को फोन कर प्रभावित कर रहे हैं, इसके बाद पड़ा था छापा। वारिस पंजाब भी चीफ अमृतपाल और उसके साथियों से मिलने डिब्रूगढ़ पहुंचे परिवार के लोग। सभी के घर से एक एक आदमी को मिलने की इजाजत थी। बीजेपी का आज 12 घंटे का उत्तर बंगाल बंद। नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार और हत्या का विरोध। बंद के दौरान सिलीगुड़ी में लोग परेशान। बसे नहीं चलने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पंजाब के गुरदासपुर सेक्टर में दिखा पाकिस्तान की ओर से आया ड्रोन। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौटा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। श्रीनगर में 22 और 23 मई को G20 के मुख्य वर्किंग ग्रुप की बैठक। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पहली इंटरनेशनल समिट। बैठक को लेकर श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ADGP SD सिंह जामवाल ने अधिकारियों की बैठक कर लिया जायजा। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मिले उद्धव ठाकरे और संजय राव। दिल्ली में हुई तीनों की मुलाकात। उद्धव ठाकरे का बयान, पहले यूनियन के बीच लड़ाई होती थी लेकिन अब नहीं, क्योंकि सरकार ही अब यूनियन को खत्म करना चाहती है। उद्धव ठाकरे ने कहा, बाला साहेब ने नारा दिया था जय जवान जय किसान और जय कामगार, ये महाराष्ट्र की ताकत है। एक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे बोले, धनुष बाण हमसे छीन लिया गया तो मैंने अपनी पार्टी के निशान मशाल को शांत नहीं होने दिया। कार्यकर्ताओं की तरफ से सीएम पद को लेकर पोस्टर लगाने पर बोले अजीत पवार, जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं उसे बंद करें, मैंने कभी नहीं कहा पोस्टर लगाने को। अमित शाह के कर्नाटक में दिए बयान पर अजीत पवार ने कहा, जिनके पास गृह मंत्री पद की जिम्मेदारी उनका इस तरह का बयान सही नहीं। अजीत पवार ने शरद पवार के रोटी पलटने के बयान पर कहा, शरद पवार ने अपने 50 साल की राजनीति में कई बार बड़ी भूमिका निभाई है, कई बड़े बदलाव किए। उदयपुर में हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर हमला। थाना अध्यक्ष उत्तम सिंह सहित 6 जवान घायल। पुलिस को हिस्ट्री शीटर रनिया के घर आने की मिली थी जानकारी। छापा मारने पहुंची पुलिस की टीम को गांव वालों ने घेरा। रनिया गैंग ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। हमले में घायल पुलिस वालों को MB अस्पताल में किया गया भर्ती। पुलिस टीम पर हमले की जानकारी मिलते ही उदयपुर रेंज IG अजय पाल लांबा मौके पर पहुंचे। रनिया गैंग को पकड़ने में जुटी पुलिस।
बिहार के कटिहार में जेडीयू नेता कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या। जेडीयू नेता को 4 से 5 गोली मारी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने हमलावरों की जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। दिल्ली के नरेला में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर फायरिंग। हमले में 3 लोगों को लगी गोली। घटना को अंजाम देने के बाद बाइक सवार हमलावर हुए फरार। लोगों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। हमलावरों की पहचान के लिए लोगों से कर रही है पूछताछ। बिहार के बेगूसराय में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश विवेक कुमार उर्फ बटोही की मौत। 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस और एसटीएफ की टीम को बदमाशों के आकाशपुर इलाके में छिपे होने की मिली थी जानकारी। पुलिस की घेराबंदी करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया बदमाश बटोही। फायरिंग में 1 SHO और 1 सिपाही को लगी गोली, दोनों खतरे से बाहर। पुलिस को कई हत्याओं में बदमाश बटोही की थी तलाश। घर की तलाशी में पुलिस ने 1 कार्बाइन और 1 पिस्टल बरामद की। एनकाउंटर के बाद पुलिस और गांव वालों में हुई मामूली झड़प। गांव के लोगों ने किया पुलिस पर हमला। एनएसए अजीत डोवाल ने उत्तराखंड सीएम से की मुलाकात। देहरादून पर धामी के आवास पर हुई बातचीत। मध्य प्रदेश के मंडला में लाडली बहना महासम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान हुए शामिल। सीएम शिवराज सिंह ने लाडली बहन योजना को लेकर की बात का। हर महीने लाडली बहना के खाते में डाले जाएंगे 1,000 रुपए। श्रीनगर में मानव तस्करी जागरूकता सेमिनार का आयोजन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कार्यक्रम में पहुंचे। पुलिस और सेना के जवान भी कार्यक्रम में हुए शामिल। भारतीय नेवी चीफ एडमिरल और हरिकुमार बांग्लादेश आर्मी चीफ के बीच मीटिंग। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर चर्चा। भारत में तैयार हुआ कोरोना का अपडेटेड टीका। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी होगा असरदार। जिनोवा बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी ने mRNA तकनीकी से तैयार किया टीका। भारत ब्रिटेन के बाद अपडेटेड टीका बनाने वाला दूसरा देश बना। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस में आई गिरावट। 57,410 तक पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,355 नए केस दर्ज। 26 कोरोना पीड़ितों की मौत। सूडान के वाडी सिडना एयरबेस से रवाना हुआ भारतीयों का 8वां जत्था। CJ-130J विमान में 121 भारतीय नागरिक निकाले गए। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। सूडान से लौटी गोरखपुर बस्ती मंडल के 31 नागरिक। योगी सरकार ने एसी बसेस और लग्जरी गाड़ियों से सभी को घर तक पहुंचाया। रास्ते भर अफसरों ने रखा लोगों का ख्याल। खान पान की भी व्यवस्था की गई। सहजनवा में बस से उतरते ही लोगों ने भारत माता की जय के लगाए नारे। अधिकारियों ने माला पहनाकर किया स्वागत। सूडान से लौटे नागरिकों ने कहा हाल ही में बिताए गए दिन बेहद खौफनाक रहे। सरकार की पहल से सुरक्षित वतन वापसी से सारा डर गायब हुआ। मीडिया से बातचीत में लोगों ने कहा गृह युद्ध की वजह से सूडान में पिछले 15 दिनों से जीवन नर्क जैसा हो गया था। सारी कमाई वहीं डूब गई। यूक्रेन के मिकोलाइव पर रूसी हमला। 1 शख्स की मौत, 30 नागरिक जख्मी। रूसी सेना ने रात में रिहायशी इलाके पर दागे 4 कैलिबर मिसाइल, एक ऐतिहासिक इमारत समेत कई निजी मकानों को पहुंचा नुकसान। यूक्रेन ने की थी पुतिन को ड्रोन अटैक से मारने की कोशिश। खुलासे के बाद ड्रोन की बारीकियों को समझने में लगे पुतिन। मॉस्को में एक ड्रोन फैक्ट्री का किया दौरा। मैनचेस्टर में चुनावी रैली के बाद डिनर में बोले ट्रंप। चुनाव प्रचार में बहस से बचने की दी सलाह। यौन उत्पीड़न के 2-2 केस में फंसे हैं ट्रंप। चिली और पेरू के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में फंसे प्रवासी। वेनेजुएला में जा रहे लोगों को दस्तावेजों की कमी के चलते पेरू नहीं दे रहा एंट्री। पाकिस्तान में कराची एक्सप्रेस की एसी बोगी में लगी आग। बोगी में आग लगने से 4 बच्चों समेत 7 की मौत। नींद से होने की वजह से भाग नहीं सके यात्री। मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। अमेरिका दौरे पर गए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून का पेंटागन में हुआ स्वागत। रक्षा मंत्री ऑस्टिन ने उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम में सुरक्षा देने का वादा दोहराया। RBI गवर्नर का बयान, भारतीय बैंकिंग सिस्टम मजबूत। वैश्विक घटनाओं का इस पर कोई असर नहीं। चौथी तिमाही में विप्रो का मुनाफा 3,075 करोड़ का। 12,000 करोड़ के शेयर बायबैक का ऐलान। टाटा स्टील ने ANB ग्लोबल माइनिंग के साथ व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। IPL में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आज होगी टक्कर। मोहाली में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 32 रन से हराया। पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंची राजस्थान। चेन्नई सुपर किंग्स 3रे नंबर पर खिसकी। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को दिया था 203 रन का टारगेट। चेन्नई की टीम 170 रन ही बना पाई। बिपाशा बासु ने बेटी देवी के साथ वीडियो किया शेयर। डांस करती नजर आई दोनों। नफरत भरूचा का आइटम सॉन्ग बरेली के बाजार में हुआ रिलीज। फिल्म छत्रपति के लिए श्रीनिवास बिलमकोंडा के साथ दिखा नुसरत का स्वैग। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म फेयर अवार्ड को बताया नैतिक और एंटी सिनेमा। ट्वीट कर अवार्ड में हिस्सा लेने से इनकार किया। शिखर धवन, हरप्रीत बराड़ और अर्शदीप सिंह ने पंजाबी गाने पर बनाया रील। नाचते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट। मुजफ्फरनगर में सड़क पर कार सवार युवकों का हुड़दंग। वीडियो हुआ वायरल।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ियों से निकाला जा रहा है डीजल पेट्रोल, ग्रामीणों ने किया विरोध। आगरा हाईवे पर स्टूडेंट्स का स्टंट करते वीडियो आया सामने, एक मोटरसाइकिल पर 5 छात्र करते दिखे स्टंट। कानपुर की सड़कों पर बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चलाते दिखे, वीडियो आया सामने, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं खिंचाई। उत्तराखंड में एक वाहन चालक की हीरोगिरी, बाघ को चिढ़ाते हुए वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।